बाराबंकी में टंडन की कचौड़ी नहीं खाई तो आपने बहुत कुछ मिस किया, लेकिन नेताओं से बात करने के लिए तो खान पान चलते रहना चाहिए। हमारे साथ हैं सतीश चंद्र शर्मा जी, दरियाबाद से विधायक हैं। बीजेपी के इस बार जीतने के आसार कितने हैं और किस आधार पर जाएंगे वोट मांगने के? आदरणीय मोदी और योगी जी के नेतृत्व में तमाम लोक कल्याणकारी योजनाएं जमीनों तक पहुंची हैं। आम जनमानस, क्योंकि पिछली तमाम सरकारें देखा, वो योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पाई थी। आज उस वो विश्वास है मोदी पर, योगी पर और उनकी योजनाओं पर, और मुझे लगता है कि एक बड़े बहुमत से आने वाले समय में 2022 में हम लोग जीतने जा रहे हैं। बहुमत की बात कर रहे हैं, यही बात तो अखिलेश यादव कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें बहुमत मिलेगा, हम पूरी तरह तैयार है, विपक्ष की राजनीति आगे बढ़ेगी, सत्ता में आएंगे। 2017 में भी यही कह रहे थे, 2019 में भी उन्होंने यही कहा था, लेकिन जनता उनके साथ नहीं है। जनता को पता है कि समाजवादी लोग आएंगे, छद्म समाजवादी हैं ये आएंगे तो यूपी में गुंडाई बढ़ेगी, यूपी में दंगे बढ़ेंगे, रोजगार के नाम पर डकैती चालू हो जाएगी, नौकरियों में भ्रष्टाचार होगा, कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, ये सबको पता है। बाराबंकी एक ऐसा जिला है जिसने हमेशा सौहार्द की तस्वीर देवा महादेवा के जरिए पेश की है, क्या हिंदू और मुस्लिम करके ही बीजेपी यहाँ पे टिकी है? नहीं, बीजेपी ने तो हमेशा सबका साथ सबका विकास का नारा दिया। हमारी जो भी योजनाएं हैं, हिंदू भी पहुंचा है, मुस्लिम भी पहुंचा है, कोई मुस्लिम भाई ये नहीं कह सकता कि हमारी योजनाएं उन तक नहीं गई। हमने उनके साथ कहीं पर कोई भेदभाव नहीं किया है। बाराबंकी जिले में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो देवा में तो बिजली मिलती थी, महादेव में बिजली नहीं मिलती थी, कैसा समाजवाद है? अगर ये समाजवाद है तो बाराबंकी जनता इसको खारिज करती। समाजवाद के बाद क्या बीजेपी उसी आधार पर चल रही है? यही आरोप देवा से कई बार लग जाते हैं आप पर। बीजेपी तो गांव में 18 घंटे बिजली दे रही है, 24 घंटे बिजली हम देवों को भी दे रहे हैं तो महादेव को भी दे रहे हैं, हमारे साथ भेदभाव का तो कोई प्रश्न ही नहीं। वो तीन बातें जिसको लेकर आप इस बार जनता में जाएंगे वोट मांगने के लिए? देखिए, जनता जो सरकार की हम लोग कल्याणकारी योजनाएं हैं जिन तक नहीं पहुंच पाई हैं, चाहे आवास का हो या अन्य कोई भी योजनाएं, हम उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ तमाम ऐसे भी काम है विकास के, चाहे कई जगह हमने काम किया है, 4 लेन की सड़कें दिया है, 2 लेन की सड़कें दिया है, 4 पुल दिया है, स्टेडियम दिया है, टाउन एरिया दिया है, बस अड्डा दिया है, लेकिन उसके बाद भी कुछ काम बाकी रह गए हैं। हमारी कोशिश रहेगी उन बाकी काम पूरा किया जाए और जनता को उसको समर्पित किया जाए। महंगाई से कोई वास्ता है, आपको आइडिया है महंगाई कितनी है और लोग कितना परेशान है इससे? देखिए, महंगाई को देखिए, कोरोना का संकट पूरी दुनिया ने देखा, अब पूरी दुनिया ने जब कोरोना का संकट देखा, रोजगार की समस्या निश्चित तौर पर इसको हम मान सकते हैं, रोजगार की समस्या है, इस बात से इनकार नहीं किया सकता है। लेकिन जितना भाजपा की सरकार में, योगी जी की सरकार में हमने नौजवानों को नौकरी देने का काम किया हो या तमाम अन्य माध्यमों से रोजगार का सृजन करने का काम किया हो, ईमानदारी के साथ, उतना कभी नहीं हुआ। और जो महंगाई का जो विषय है, आम जनता इस पे जानती है कि महंगाई निश्चित तौर पर समय के साथ धीरे धीरे बढ़ा करती है, महंगाई है, लेकिन उस महंगाई को काबू पाने के लिए सरकार रोजगार का सृजन करके, व्यापार को बढ़ावा देकर हम उस पे काबू पाने का भी काम करेंगे। काबू पाने का भी काम कर रहे हैं और वोटर को ये विश्वास दिलाने का भी कि अब की बार किसकी सरकार होगी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और सतीश के साथ मनोज्ञा लोईवाल, बाराबंकी, ABP न्यूज। ABP न्यूज आपको रखे आगे।